Hey guys, आज की वीडियो रहने वाली है TVS की साइलेंसर कोटिंग के ऊपर। सो गाइज, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्या इसका फ़ायदा होता है और इसकी MRP वगैरह सब इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि नाम से ही मेंशन है, TVS साइलेंसर कोटिंग मतलब साइलेंसर में अगर आपका जो है कलर वगैरह उखड़ा हुआ है तो उस जगह पर आप इसको जो अप्लाई कर सकते हो। सो कैसे आपको इसको अप्लाई करना है प्रॉपर मैं आपको भी अब बताता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले इसका जो MRP मैं बताऊँ तो इसका जो है 549 मतलब 500 में आपको ये मिल जाएगा। और कुछ डायरेक्शंस है इसको अप्लाई करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपकी बाइक का जो इंजन है वो बंद होना चाहिए। देन उसके बाद जो है आपको साइलेंसर को अच्छे से क्लीन करना है, किसी ऑल पर्पज क्लीनर जैसे कि WD-40 वगैरह होता है उससे आपको क्लीन कर लेना है। देन उसके बाद गाइज, आपको जो है पैनल वगैरह इसके खोल लेने हैं, ऐसा इन्होंने बता रखा है, लेकिन पैनल आप जो है ऐसे कवर भी कर सकते हो। देन गाइज, साइलेंसर इसका ठंडा होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, और यूनिफॉर्मली आपको इसको अप्लाई करना है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं है। और 5-10 मिनट में ये जो है सूख जाता है। तो इस तरह से आप जो है कोई सेकंड कोट भी कर सकते हो, अगर आपका जो है कलर अच्छा ना आए तो उस हिसाब से आप जो है इसको अच्छी फिनिशिंग के लिए जो सेकंड कोट भी आप जिसको जो है अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए सीधे अभी जो है इसको अप्लाई करते हैं अभी। और अप्लाई करने के लिए गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है ये मेरे को जो है इसके खोलने पड़ेंगे। सो ये कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर ही 8 नंबर के जो ये नट बोल्ट जो भी है इसको खोल लेता हूँ पहले मैं। गाइस, यहाँ पे जो साइलेंसर प्लेट है वहाँ पे भी 8 नंबर के 2 बोल्ट लगे रहेंगे, सो उनको खोल लेता हूँ। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो साइलेंसर मेरा कितना गंदा है। सो सबसे पहले जो है गाड़ी को वॉश करके लेके आता हूँ मैं। तो गाइस, बाइक को मैंने जो है वॉश कर लिया, आप देख सकते हो। अभी इसको जो है थोड़ा सूखने देते हैं और साइलेंसर को जो है अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। सो यहाँ पे आप WD-40 का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो है आप किसी भी जो है डीजल पेट्रोल जो भी आपको अच्छा लगे उससे आपको जो है इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है साइलेंसर को। और उसके बाद गाइस, आपको इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ी मास्किंग कर देता हूँ। सो कुछ इस तरह से जो पॉलीथीन है उससे मैं इसको जो अच्छे से मास्किंग कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे को डर है कि यहाँ पे इसका जो कलर है वो ना जाए। सो कुछ इस तरह से मास्किंग करके देन उसके बाद गाइस, आपको इसको जो अप्लाई करना है। तो चलिए मैं अभी इसको जो अप्लाई करता हूँ। तो गाइस, फर्स्ट कोट मैंने कर दिया, अब इसको 5-10 मिनट तक सूखने देते हैं, देन उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी ये बिल्कुल एकदम जो है सूख चुका है और कुछ इस तरह की फिनिशिंग आई है इसकी, एकदम मैट फिनिश में जो है ये निखर के आया है। और ये आप देख सकते हो एकदम ड्राई हो चुका है, जैसा कंपनी से आता है साइलेंसर वैसे इसकी जो है मैट फिनिश अभी आपको दिख रही होगी। और कहीं कहीं पे गाइस मेरे से जो है पहले थोड़ा ज़्यादा इसको जो अप्लाई कर लिया मैंने, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है ये कलर ऐसा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको अप्लाई किया था दूसरे नॉर्मल वाले कलर को। सो अगर आप अच्छे से क्लीन करके आप इसको अप्लाई करोगे तो ये चीज़ नहीं होगी आपके साथ। तो चलिए गाइस, एक बार जो है मैं फिर से इसकी जो है कोटिंग कर देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको जो है सेकंड जो फिनिश है इसकी डबल कोट के बाद वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए कुछ इस तरह से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। फिर से इसको जो है 5-10 मिनट तक सूखने देते हैं, देन उसके बाद आके इसको देखते हैं। फिर जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसकी फिनिशिंग जो है पहले से निखर के आई है, तो पहले इसकी जो है मास्किंग में हटा देता हूँ। बस अभी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हो एकदम साइलेंसर जैसे नया वाला जैसे होता है इसका कलर, वैसा इसका कलर हो चुका है। और कितने दिन तक गाइस ये टिकता है वो मैं आपको अगर देखना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका जो कंडीशन है वो 6 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद कैसा है। सो कुछ इस तरह से गाइस इसका जो फिनिशिंग आ रखा है। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको अच्छी लगे होगी। अगर आपको ये बाय करना रहेगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको जो परचेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।